ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के पास एक आर्मी थी 71 से पहले, अब कंट्री हाफ हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, क्या आर्मी कम हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? सोचना था, एक इतनी बड़ी फौज को जस्टिफाई करना भी एक बड़ा काम होता है। वो जस्टिफिकेशन कैसे आएगा जब तक एक एक आज ही अभी कुछ दिन पहले की डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट क्या है कि हमारे यहाँ राजौरी में या पिंपर गली सेक्टर के पड़ोस में एक एक टेरर अटैक हुआ, आतंकी हमला। वो हमला एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया G20 समिट कर रहा है श्रीनगर में, जिसपे ऑब्जेक्शन थी पाकिस्तान को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बोला है, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, कि नो मैच फॉर इंडियन आर्मी। ये बात समझिए कि 6 लाख की पाकिस्तान की आर्मी, 14 लाख की इंडिया की आर्मी, मैच कहां से हो जाएगा? कोई मैच होने का चांस है? उर्दू में उसे शायरी बोलते हैं, हिंदी में उसे कविता बोलते हैं। एक बहुत पुरानी कविता है, वो कविता ये है कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो उस रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, वो तीसरा आदमी कौन है? पाकिस्तान में इंडिया के बारे में जितना लोग जानते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा लोग इंडियंस पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। उसके दो रीजंस हैं। एक तो हम लोगों को, हम लोग पाकिस्तान, क्योंकि हमारे साथ मुस्लिम्स रहते हैं, तो हम इस्लाम को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। पाकिस्तान में लोग मेरा नाम, जो कि वो टू नेशन थ्योरी के बिहाफ पे रूल कर रहे हैं वहां पे, उधर का रूलिंग एलिट अपना पैसे कहां से कमाएगा? दूसरी चीज, एक इतनी बड़ी फौज को जस्टिफाई करना भी एक बड़ा काम होता है। वो जस्टिफिकेशन कैसे आएगा जब तक एक एक आज ही अभी कुछ दिन पहले की डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट क्या है कि हमारे यहाँ राजौरी में या पिंपर गली सेक्टर के पड़ोस में एक एक टेरर अटैक हुआ, आतंकी हमला। वो हमला एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया G20 समिट कर रहा है श्रीनगर में, जिसपे ऑब्जेक्शन थी पाकिस्तान को। साथ में पाकिस्तानी आर्मी, सॉरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि पाकिस्तान हम पर अटैक कर सकता है, इसलिए हमें ये इलेक्शंस, जो पंजाब के इलेक्शंस आ रहे हैं, इन्हें रोको, या दो दूसरे दो दो स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, वो रोको। अब यही चीज जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के टाइम पे भी बोली गई थी कि जी इंडिया अटैक कर सकता है, इसलिए हम जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। भाई, एक्सटेंशन आप अपने आर्मी चीफ को दे रहे हो, इंडिया क्यों अटैक करेगा? सोचने वाली बात है। और इंडिया को अटैक करके मिलेगा क्या? कुछ मिल रहा हो, या तो इंडिया कब्जा कर ले पाकिस्तान पे, एरिया बढ़ जाए, वो इम्पॉसिबल, सीधी सी बात है। अगर इंडिया अटैक करेगा भी तो छोड़ेगा वापस, इंडिया नहीं रूल कर सकता पाकिस्तान पे। जब तक दोनों कंट्री होल हार्टेडली साथ ना आए, तब तक नहीं आ सकते इंडिया और पाकिस्तान साथ। अब दूसरी चीज भाई, ये अटैक करा के अपने अपने कंट्री के इलेक्शंस अगर आप मुलतवी कराना चाह रहे हैं तो करवाइए ना, लेकिन अटैक तो मत कीजिए। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनकी एनालिसिस कभी नहीं हुई है। ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के पास एक आर्मी थी 71 से पहले, अब कंट्री हाफ हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, क्या आर्मी कम हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? सोचना था। लेकिन ये अच्छा, और भी जो आर्म्स जो लॉबी है, कुछ जी कंट्रीज है जो कि पाकिस्तान को अपने आर्म्स बेचते करोड़ों रुपए में, या जी रोहित भाई, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है पाकिस्तान की पब्लिक की तरफ से, कि एक साइड पे हमारी ये स्टेटमेंट आती है जो कि इंडिया के मीडिया पे चलती है, कि भाई इंडिया से पाकिस्तान से डरता है, कभी हमारे जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कहते हैं इंडिया हमला कर देगा, कभी हमारे पॉलिटिशियंस ये कहते हैं हमला कर देगा। दूसरी साइड पे इंडिया में अगर कोई इशू होता है, चाहे वो कोई भी अटैक होता है, रिसेंटली जो बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया पूंछ के मुकाम पे, जो शहीद हुए आपके जवान, तो फिर अगर एक साइड पे हम डर रहे हैं तो दूसरी साइड पे हम बेवकूफ हैं? ये पब्लिक का सवाल है कि हम क्यों अटैक करेंगे? कहीं ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी ऐसी है, थर्ड पावर ऐसी है, कि जब वो देखती है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से दोनों में फिर से दूरियां आती हैं? ये पब्लिक का नैरेटिव है, आप इसके ऊपर क्या अपनी राय रखते हैं? इस थर्ड पावर को हम ही तो हवा देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है भाई, क्यों चाइना को इतना पाल रखा है? चाइना जो है वो कर क्या रहा है पाकिस्तान में बैठ करके, रूल कर रहा है पाकिस्तान को। उस थर्ड पावर को पहले वो अमेरिका था, F-16। चाइना अलग से अपनी रोटियां सेक रहा है, चाइना क्या कर रहा है वो चाइना को पता है, चाइना क्या कर रहा है वो चाइना को अच्छी तरह से पता है चाइना। लेकिन एक ऐसा कंट्री है, वो पाकिस्तान नहीं है, वो इंडिया नहीं है। चाइना में प्रेस पे इतनी सेंसरशिप है कि वहां वहां माओ ज़ेदुंग के टाइम पे करोड़ों लोग भूखे मर गए, एक जगह छपा नहीं। ठीक है रोहित सीधी सी बात, भाई, पाकिस्तान में जबरदस्त ऐसा हो सकता है क्या?
जी बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, ऐसा हमें कहा जाता है, तो फिर ऐसी चीजें होनी भी नहीं चाहिए। रोहित भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अब मैं समझता हूँ आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो भी यही है कि अभी यूएस के जो वहां से यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, आई थिंक डोनाल्ड नू की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जी इंडिया से हम तकरीबन 1 मिलियन के करीब यूथ को या 1 मिलियन के करीब लोगों को यूएस बुलाने जा रहे हैं 2023 के अंदर अंदर में ही। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया वालों की जरूरत यूएस को भी पड़ गई? देखिए, इंडिया वालों को यूएस में इंडिया के बहुत सारे पहले से लोग, पूरा उनका हेलो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंडिया चला रहा है, उनकी डिफेंस इंडस्ट्री में इंडियंस बहुत हैं। अब वो 1 मिलियन जो उन्होंने बताया, 10 लाख लोग, वो जी उनको जरूरत है हमारे यहाँ से, वो अच्छे काबिल लड़के ले जाए, उनको जरूरत है हमारी, हमें उनकी जरूरत नहीं है। इंडिया ने कभी ये नहीं बोला कि अमेरिकन आके हमारे पास नौकरी करो, या हम अमेरिकन को यहाँ सेटल करना चाहते हैं, जबकि अमेरिकन आना चाहते हैं, इंडियंस अमेरिकन आना चाहते हैं, इंडिया में सेटल होना चाहते हैं। इसी बार होली के टाइम पे, होली के दिन पे अमेरिका की सेक्रेटरी आई हुई थी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर पे होली खेल रही थी, गोलगप्पे खा रही थी। ये बिल्कुल वीडियोस अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल अमेरिकन यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं। फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड के पोते एल्फ्रेड फोर्ड यहाँ मुंबई में रहते हैं और मुंबई में सेटल्ड हैं। अब शायद वो वापस, उनकी फैमिली वापस जा रही है या कुछ ऐसा चक्कर है, लेकिन ओके। वो मुंबई में सेटल्ड हैं। क्यों? रिसेंटली क्योंकि वो इस्कॉन के मेंबर है, नो डाउट अभी अबाउट। अभी स्टेटमेंट आई है जो बाइडेन की तरफ से, मतलब हमने ये सुने, खबर आई है, सॉरी खबर आई है कि शायद जल्द ही जो बाइडेन भी इंडिया का विजिट करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। आखिर वजह क्या है? मतलब देखें, मैं पाकिस्तान में बैठा आपसे बात कर रहा हूं, मैं देखें आप मेरे से एज में बड़े, एक्सपीरियंस में मेरे से बड़े, आपकी अगर कंट्री की बात करें, आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, मेरा आपसे सवाल करना बनता नहीं है। मेरी एक अपनी सोच है, अपना विजन है, मेरा आपसे सवाल, मेरा आपसे सीखना बनता है, मेरा आपसे पूछना बनता है कि सर कैसे इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, कैसे दूसरे कंट्रीज इंडिया की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमें भी बताइए, हम भी सीखें और हम भी अपने कंट्री की रिस्पेक्ट वैसे ही करवाएं। तो मुझे बताएं ऐसा कौन सा फार्मूला है आपके पास कि यूएस आपके पीछे पीछे, चाइना आपके पीछे पीछे, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी वो आपके साथ ट्रेड करना चाहता है, रशिया आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखे हुए है, इवन यू अगर यूएई की बात करें, अगर हम सऊदीया की बात करें, दुबई की बात करें, वो इस्लामिक कंट्रीज भी आपके साथ साथ, कौन सी आपके पास ऐसी पॉलिसी है, आपकी यूथ के पास कौन सी ऐसी एनर्जी है, हमें भी बताइए। अच्छा देखिए, एक चीज, एक फोटो जब आप पूछ रहे थे तो एक फोटो मुझे याद आ रही है। ऋषि सोनक प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस में खड़े हैं, प्राइम यूके के, और एक कुत्ता उनके साथ है। अगर आप देखें तो इंडिया में ऋषि सोनक पहले से बाहर चले गए थे, काफी पहले बाहर चले गए थे, लेकिन यहाँ की वैल्यूज सेम है कि आप अपनी पूरी पूरी मेहनत एजुकेशन में लगा दें, पूरी मेहनत इस चीज में लगा दें कि आप तरक्की कैसे करेंगे। इंडिया में अगर आप देखें, 1950 से ही हम आईआईटीज बना रहे थे, हम मेडिकल कॉलेजेस बना रहे थे, हम इस चक्कर में। आप अगर बताएं, मैं 28 तो आईआईटी बता सकता हूँ, 28 के आसपास आईआईटी, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। वी हैव सो मेनी आईआईटीज, और 23 है शायद, 23 है, और हमारे पास IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी भरमार है, और उसके साथ साथ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। व्हाट इंडिया हैज बीन डूइंग, इंडिया कर क्या रहा है, अपनी मैन पावर पे ध्यान दे रहा है। इंडिया ने कभी भी मदरसा कल्चर को फ्लरिश नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? ये 80s का दौर जो पाकिस्तान को मदरसा कल्चर की ओर ले गया था, उससे फॉरेन फंडिंग आ रही थी, और आपके जो कुछ कुछ लीडर्स थे वो फॉरेन में अपना फार्म हाउसेस खरीद रहे थे, अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रहे थे, और पाकिस्तान के बच्चों को बोल रहे थे कि असली जन्नत तो 72 हूरों में है, आप मदरसे में पढ़िए और 72 हूरों के लिए टारगेट लीजिए। तो वो चीज आज प्रॉब्लम दे रही है इंडिया के। आप इंडिया के अगर आप देखें, वर्ल्ड बैंक का चीफ ऐसे ही किसी को कोई नहीं बना देता, यहाँ पढ़ के आदमी वहां जाके मेहनत करता है। गूगल का चीफ ऐसे ही कोई किसी को नहीं बना देता। इंदिरा नी चीफ के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है? इंडियन है। अगर बताऊं YouTube का चीफ कौन है? इंडियन है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ध्यान दिया था, हमने पहले दिन से इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, या हमारे हमारे पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे,
हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीएचडी थे वो, और वो भी ऑक्सफोर्ड से। ठीक है, आपके भी प्राइम मिनिस्टर एक ऑक्सफोर्ड से थे, वो पढ़े हुए थे, लेकिन उन जैसा प्राइम मिनिस्टर भगवान दोबारा ना दे। लेकिन ये समझने वाली बात है कि हमारे पास, हम लोगों ने जो एजुकेशन पे दिमाग लगाया था, और वो था अमेरिका में आज कितने डॉक्टर्स इंडियंस हैं, अगर ये 1 मिलियन ले रहे हैं तो अपने लिए ले रहे हैं, हमारे लिए नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही बड़ी बात है ये, हमारा इंडियन डायस्पोरा वहां बढ़ाते हैं, बहुत बात है, बहुत बड़ी बात है कि देखें अब इंडिया कभी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में आज भी यही सोच है कि भाई इंडिया, अगर हमें यूएस का वीजा मिल जाए, अगर हमें कनाडा का वीजा मिल जाए, अगर वहां की सिटीजनशिप मिल जाए तो हम फख्र फील करते हैं। मैं मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी शायद कभी ऐसी सोच रही होगी कि भाई हम तो अब्रॉड जा रहे हैं। हमने मूवीज काफी ऐसी देखी, खासतौर पर इंडियन पंजाबी मूवीज देखी, जिसमें वो बाहर जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते थे, और आज वो टाइम है कि इंडिया वाले ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमें यूएस की जरूरत नहीं, यूएस को इंडिया की जरूरत है, यूएस को इंडियंस की जरूरत है। अगर वो 1 मिलियन वीजा दे रहे हैं, 1 मिलियन इंडियंस को अपने कंट्री में बुला रहे हैं, तो वो अपने लिए बुला रहे हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं। यही यहां से इंडिया की डेवलपमेंट का, यहां से इंडिया की अचीवमेंट का, और यहां से इंडिया के विजन का अंदाजा क्लियरली हम लगा सकते हैं। मुझे बताएं रोहित भाई, ये बताएं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यस यस यस, एक चीज है मैं ऐड करना चाहूंगा कि वो जमाने गए थे, टाइम था, आज भी है, आज भी बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि वो कनाडा या अमेरिका या यूरोप जाके अपने सेटल हो, लेकिन पहले अगर 10 लोग ट्राई कर रहे थे तो आज 2 या 3 ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, अब बहुत ज्यादा नहीं। आज आज लोग ये बोल रहे हैं, खासतौर से पंजाब का यूथ ये बोल रहा है कि मैं यही कनाडा बना दूंगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, आगे बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कब ठीक होंगे? इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस तब ही ठीक होते हैं जब जब मिलिट्री होती है पाकिस्तान में रूल में। क्यों? क्योंकि आप अगर हिस्ट्री देखें तो जब भी समझौता एक्सप्रेस चली है तो वो मुशर्रफ के दौर में चली या उससे पहले जियाउल हक के दौर में चली, क्योंकि जो आर्मी चीफ होता है या डिक्टेटर होता है उसको वोट्स की चिंता नहीं होती। सीज फायर अब हो रही है, वो भी बाजवा साहब ने कराई, उससे पहले मुशर्रफ के टाइम पे हुई। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि बेटर रिलेशंस तभी होते हैं। अच्छा, बेटर रिलेशंस कब होंगे? आगे ये सोचने वाली बात भी है कि इंडिया से सामान पाकिस्तान जा रहा है, सारी वैक्सीन तो पाकिस्तान में इंडिया इंडियंस जा रही है ना, और इंडिया ऑफकोर्स वर्ल्ड की 70% 80% वैक्सीन देता है, तो पाकिस्तान भी इंडिया से ले रहा है, लेकिन वो वैक्सीन डायरेक्ट नहीं जाती, वो वाया दुबई जाती है। तो कौन है वो लोग, कौन है वो लोग जो उस उसमें पैसा कमा रहे हैं? बिल्कुल, 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचने में कमा रहे हैं, ऐसे। यस, ये एक 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 बहुत पुरानी पाकिस्तान में उर्दू में उसे शायरी बोलते हैं, हिंदी में उसे कविता बोलते हैं, एक बहुत पुरानी कविता है। वो कविता ये है कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो उस रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है, रोहित भाई, रोहित भाई, तो तीसरा आदमी कौन है ये पता लगाना बहुत जरूरी जी है। जी, यही सोच, यही विजन और यही क्वेश्चन मेरे हैं कि भाई नो डाउट पाकिस्तान की साइड से बहुत सी मिस्टेक्स हुई होंगी, हमने सॉरी हमने किसी की जान को अपने ऊपर मुसल्लत किया, हमने अफगानिस्तान में जो किया शायद वो बेहतर नहीं था, हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो अड्डे दिए वो बेहतर नहीं थे, नो डाउट हमारी बहुत सी मिस्टेक्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी चीज नोट करने की जरूरत है, इंडियंस को ये चीज समझने की जरूरत है कि मेरे भाइयों बिलीव मी, कहीं ना कहीं थर्ड पावर या थर्ड ऐसी कुवतें मौजूद हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को बेहतर होने नहीं देना चाहती, जो कि चाहती हैं कि पाकिस्तान में ऐसे ही हम वेपन्स बेचते रहें, जो कि चाहती हैं हम इंडिया को भी ऐसे ही अपना एंगेज रखें इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इसलिए हमें ये सोचने की जरूरत है कि जब भी कोई वाकया होता है हम बिना आंखें बंद किए ना तो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएं और ना ही पाकिस्तान से बिना आंखें बंद किए इंडिया पर इल्जाम लगाया जाए, पहले इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके बाद देखा जाए कि यह वाकया कैसे पेश आया और इसके पीछे कौन है। रोहित भाई, ये सोच बदलेगी कैसे? पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान की यूथ आपके ख्याल में, जैसे इंडिया की यूथ में बहुत सी अवेयरनेस आ चुकी है, जैसे आपने बोला कि इंडिया वाले अब ये कहते हैं कि भाई हम यहाँ ही यूके बनाएंगे, यहीं पे यूएस से बेहतर इन्वायरमेंट बनाएंगे, ऐसे ही ये सोच हमारे यहाँ कैसे आ सकती है?
देखिए, आपको आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। सबसे पहले तो आपको इस्लाम को रिलीजन मानना पड़ेगा। आज आपने इस्लाम को ये मान रखा है कि इस्लाम ही सब कुछ है, इस्लाम इज अ रिलीजन। बाकी कंट्रीज ने भी ये किया है ना, टर्की ने भी किया है, इंडोनेशिया आपके पड़ोस में उसने भी यही किया है, और दूसरे कंट्रीज भी मानते हैं ना इस्लाम इज अ रिलीजन। आज तो सऊदी अरेबिया इस्लाम को रिलीजन मानने के लिए तैयार है कि इस्लाम रिलीजन है यार, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी इकोनॉमी की तरह चलेगी, डेवलपमेंट डेवलपमेंट के साथ चलेगा। अब पाकिस्तान हर चीज में इस्लाम ढूंढता है, जो चीज नहीं होगी वो इस्लाम नहीं। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है। हमारे कंट्री में भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें जिसमें लिकर नहीं बिकती, दारू नहीं बिकती, शराब नहीं बिकती। पाकिस्तान में क्या शराब नहीं बेची जा रही? बेची जा रही। क्या बेची नहीं पी जा रही? सब पी रहे हैं। मुझे कहानी बतानी, मैं 20 साल से जर्नलिस्ट में हूँ और 20 साल से पाकिस्तान को कवर कर रहा हूँ। ये सोचने वाली बात है, अगर बिक रही है और वो इलीगली बिक रही है, तो इलीगल बिकने वाली शराब जो है उस पर टैक्स तो आता नहीं? हमारी बहुत सारी स्टेट्स ने ऐसे रूल्स बनाए थे कि भाई आप शराब नहीं बिकेगी कल से, वो कंगाली की कगार पे आ गई और उन्हें उन्हें फिर से स्टार्ट करनी पड़ी। एक नहीं है, मैं 10 चीजें बता सकता हूँ आपको। आप इस्लाम के चश्मे से देखेंगे कंट्री को तो नहीं चलेगा। आप इतना टैक्स लूज कर रहे हैं कि आपकी सड़कें बन सकती थी, आपके इतनी सारी चीजें जिसके लिए आप एक एक चीज के लिए, आपका पेट्रोल पे सब्सिडी, अभी पब्लिक पेट्रोल पे सब्सिडी बोली गई है, आपकी बिजली 25 रुपए यूनिट पहुंच रही है। वो बिजली अगर अगर लिकर आपके यहाँ फ्री में, अब लिकर आपके यहाँ मतलब ओपन में बिक रही होती बिल्कुल तो टैक्स आता। पता है आपको, एक एक 100 रुपए की भी बॉटल है, अगर अगर अल्कोहल की या विस्की की 100 रुपए की बॉटल है तो उस पर 80 रुपए टैक्स होता है। 20 रुपए की वो लिकर की बॉटल होती है, 80 रुपए टैक्स। आप सोचिए कितने हजार करोड़ का आप टैक्स बोल रहे हैं। इससे आपकी बिजली की सब्सिडी हो सकती थी, गरीबों को खाना दिया जा सकता था, क्या कुछ नहीं किया जा सकता था। वो टैक्स आपको बिजली पे लगाना पड़ रहा है, वो टैक्स आपको इस पे लगाना पड़ रहा है, पेट्रोल पे लगाना पड़ रहा है। तो यही ये मत बात समझिए, है। इसी पहले चीज का रोना मैं भी रोता हूँ रोहित भाई। ये भी हम अपने वीडियोस में, अपने व्लॉग्स में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पाकिस्तान बनाया गया तो ये आइन में प्रॉपर हमने मेंशन किया, इस्लामिक निजाम होगा, हमें ये बताया गया कि इस्लाम के कवानीन के मुताबिक हम लाइफ गुजारेंगे। लेकिन आज अगर मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करूं, आज मैं अगर पाकिस्तान के अदारों से बात करूं, तो शायद मुझे कोई ऐसा अदारा नजर नहीं आता जिसमें 100% इस्लामिक निजाम हो। या तो आप बिल्कुल इस्लामिक निजाम लेकर आओ, मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि जो मेरे पाकिस्तान का, जो मेरी कंट्री का निजाम होगा मुझे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम दिखाएं कुछ और, आधा तीतर आधा बटेर बनेंगे तो दुनिया मजाक बनाएगी हमारा, जो कि दुनिया मजाक बना रही है। ये चीज मुझे समझने की जरूरत है, मेरे कंट्री मैन को समझने की जरूरत है, मेरे गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है। और रोहित भाई, आपने बिल्कुल जो पॉइंट रेज किया, जो आपने पॉइंट बताया, मैं काफी हद तक इसे एग्री करता हूं। आप मुझे बताएं, आपके मन में कोई सवालात हो एज ए इंडियन, देखे ये सवाल रखना भी बहुत जरूरी है कि भाई आप क्या सोचते हैं, या आप सोचते ही नहीं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में इंडिया के बारे में जितना लोग जानते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा लोग इंडियंस पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। उसके दो रीजंस हैं। एक तो हम लोगों को, हम लोग पाकिस्तान, क्योंकि हमारे साथ मुस्लिम्स रहते हैं तो हम इस्लाम को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। पाकिस्तान में लोग मेरा नाम ठीक से नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रोहित क्या होता है, उन्हें ये भी नहीं पता शर्मा क्या होता है। ठीक है, हाँ हमें पता है, हमें पता है मुस्लिम हमारे साथ रहे हैं। मेरे 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 इतने पुराने बचपन के दोस्त जिनके घर पे मैं ईद पे जाता हूँ, वो मेरे घर दिवाली पे आते हैं, तो हमें हमें इस्लाम के बारे में काफी कुछ पता है। पाकिस्तान में लोगों को हिंदुइज्म नहीं पता क्योंकि वो तो पहले दिन से उनको बताया गया ये यहूद और हनूद दुश्मन है, तो उन्होंने दुश्मन ही समझा, ठीक उन्होंने है। कभी भी हिंदुइज्म को समझने की कोशिश नहीं की। पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम और है। पाकिस्तान में लोग समझना नहीं चाहते, या पाकिस्तान में लोगों को समझाया नहीं जा रहा कि असलियत क्या है। आपके सामने दिखता है कि एक इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को लोन देता है, कितने पे? 3% पे, 3% इंटरेस्ट पे। जब इंटरेस्ट हराम है इस्लाम में, तो उसने इंटरेस्ट पे लोन कैसे दिया और पाकिस्तान ने कैसे लिया? भाई ये आप इस्लामिक कंट्री हो ना, वो भी इस्लामिक कंट्री है। ये समझने की बात है कि इस्लाम इज अ रिलीजन, उसको बिल्कुल आप बिजनेस में नहीं डाल सकते, तो आप दूसरी चीजों में नहीं डाल सकते।
ऐसे राइट। रोशन भाई, अभी आपको एक बड़ी बात बताऊं, शायद आपने ये देखें, हमारा भी आपका नो डाउट मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत नजर रखते हैं। रिसेंटली हामिद मीर साहब ने अभी कुछ ही टाइम पहले ये स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान में बहुत वायरल है, कि जो उन्होंने बोला है कि मेरी जनरल बाजवा साहब से मीटिंग हुई, जर्नलिस्ट की जो मीटिंग हुई बाजवा साहब से उनके टाइम में, तो उन्होंने बोला कि नो मैच फॉर इंडियन आर्मी, ये बाजवा साहब ने बोला है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बोला है, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, कि नो मैच फॉर इंडियन आर्मी। तो आपको यह सुन के कैसा देखिए लगा? देखिए, नहीं, मुझे पहले से पता था, मुझे मुझे आज से नहीं, मुझे पिछले 20 साल से पता है। ये बात समझिए कि 6 लाख की पाकिस्तान की आर्मी, 14 लाख की इंडिया की आर्मी, मैच कहां से हो जाएगा? कोई मैच होने का चांस है? हमारे अपने बनाए हुए प्लेन हैं, हमारे अपने बनाए हुए एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे अपने बनाए हुए सबमरीन हैं, हमारे अपने बनाए हुए शिप्स हैं। विशाखापट्टनम क्लास हमारा अपना है, एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा अपना है, सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन हमारी अपनी है, कल्बरी क्लास सबमरीन हमारी अपनी है, तेजस हम खुद बना रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल उसके बाद हम लोग हमारी आर्मी के जो हम टैंक्स हैं हम खुद बना रहे हैं, इन राइफल्स हम खुद बना रहे हैं, AK-203, ठीक है। अब हम इंडिजिनस प्रोडक्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान को हर चीज के लिए खरीदना पड़ेगा। अगर 20 प्लेन 50 प्लेन लूज कर लिए पाकिस्तान ने, 50 प्लेन इंडिया ने लूज किए, तो हम तो बनाते रहेंगे, आपको खरीदने पड़ेंगे, और कोई देगा नहीं देगा, देगा किस कीमत पे देगा, ये बात समझने वाली बात है। बिल्कुल 6 लाख आर्मी, 14 लाख आर्मी, जमीन आसमान का फर्क होता है, आई न्यू इट। ये बात नई नहीं, सारे एनालिस्ट बोलते हैं कि पाकिस्तान इज नो मैच, लेकिन बेवकूफ बनाया जाता है। न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, बड़े सारे हुक्मरान बोलते हैं, मतलब बड़े बिल्कुल, सारे क्या, ये मतलब कहा भारत जाता दूसरा है एट हुक्मरान दी भाई, एंड, ये एट न्यूक्लियर दी धमकी दे रहा। सॉरी 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 आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन एट दी एंड यही कहा जाता है, जब अगर इंडिया से इकोनॉमी की बात करें, भाई इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा है, या फिर बात करें इंडिया की फोर्स ज्यादा है, तादाद ज्यादा है, या फिर इंडिया की बात करें कि भाई वहां पे एजुकेशन ज्यादा है, तो हमारे यहाँ से एट दी एंड एक ही आंसर सुनने को मिलता है, लेकिन हमारे पास एटॉमिक बम है। तो उसके ऊपर ये चीज नहीं समझ आती कि भाई इंडिया के पास भी वो एटॉमिक बम है, जो चीज बल्कि शायद हमारे से ज्यादा या कम है, वो एक अलहदा बहस है, लेकिन बात यह है जो चीज हमारे पास है वो उनके पास भी है। देखना ये है कौन सी चीज हमारे पास नहीं है, वो उनके पास है, वो हम फॉलो करें। एजुकेशन उनके पास बेहतर है, तो हम एजुकेशन को अडॉप्ट करें, फॉलो करें, बेहतर करें। उनके पास आईटी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, हम आईटी को बेहतर करें। ये सोच हमें जब तक हम नहीं लाएंगे, शायद बेहतरी नहीं आएगी। देखिए, एक चीज बोलते हैं पाकिस्तान में हर बार धमकी दी जाती है, एक चीज तो इस्लामिक बॉम्ब। यार इस्लामिक बॉम्ब क्या होता है, ये बात मुझे आज तक नहीं समझ में आई। इस्लाम ये भी बोलता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ, मैंने तो नहीं सुना, मैंने कुरान पढ़ी नहीं है, लेकिन जितने कुरान के हाफिज मैंने देखे हैं, उनसे बात हुई मेरी, किसी ने नहीं बताया कि कुरान में न्यूक्लियर बॉम्ब का जिक्र है। अच्छा, कुरान न्यूक्लियर बॉम्ब का चलो ये जिक्र नहीं है, बोलती का है जिक्र कि नहीं आप है। 1 लाख 10 लाख लोगों को इकट्ठे मार दो, बॉम्ब कभी इस्लामिक नहीं हो सकता, और कोई भी रिलीजन के प्रॉफिट या ये नहीं बोल सकते कि आप लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार दो, कोई नहीं बोल सकते। व्हाट इज इस्लामिक बॉम्ब? पाकिस्तान ऐसे बेवकूफ बनाए घूमता है। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे दिमाग लगाइएगा कि बोला जाता है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, वो एटम बम है, और ये हमने इमरान खान की शादी के लिए नहीं रखे, ये हमने यूज करने के लिए रखे। अरे भाई, इमरान खान की 3 शादी हो गई, एक बार तो चला लेते। ये बताओ मुझे कि यार न्यूक्लियर बॉम्ब 1945 में आखिरी चला था, 70 साल पहले, 75 साल पहले। अरे अब वो चलेगा, दोबारा चल पाएगा? आप चलाना चाह रहे हैं, एक बार देख तो लीजिए, चला के देख लो ना। अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब का था, कब किया था पता भी है? 99% कंट्री को ये बात नहीं पता है, पाकिस्तान को ये बात नहीं पता है कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ था, 1974 में पोखरण में किया था हमने, और उसके बाद से हम उसके बाद से अगर हर हफ्ते भी बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं, हम हमारे पास बहुत से हैं। तो हम लोग एक इस न्यूक्लियर वेपन की धमकी कभी आपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुनी है, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से सुनी है? ये शेख राशिद और ये इमरान खान और ये जो पाकिस्तानी डिफेंस बिल्कुल मिनिस्टर है, यही धमकी देंगे। इस तरीके के पॉलिटिशियंस वहां बैठते हैं कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर धमकी भी वो देते हैं। इंडिया के पास आपसे पहले से है, हम आराम से बैठे थे 50 बार। अच्छा, पाकिस्तान के पास आज से क्या, ऐसे ही है, बहुत टाइम 1987 ऑपरेशन ब्रास टैग हुआ था,
नहीं, 1998 में तो आपने टेस्ट किया था, बिल्कुल 1998 ऑपरेशन 1987 जी जी में, 1980